पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हो रही पंडित कमलापति त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला के छठे दिन आज उसके छठे सोपान पर इस वेब समागम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आयोजक मंडल की तरफ से और पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय श्री राजेशपति त्रिपाठी की तरफ से, साथ ही मैं स्वागत करता हूं आज के अपने अतिथि व्याख्यानकर्ता महानुभावों का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण पर अनुग्रह कर पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रति आज अपने उद्गार से युक्त व्याख्यान के प्रस्तुतीकरण के लिए हमें सहमति और समय प्रदान किया। हमारे बीच सबसे प्रथम जो व्याख्यानकर्ता आज हैं, ज्यादातर लोग आप में उनके व्यक्तित्व से भिज्ञ होंगे, श्री जे एन मिश्र जी। श्री जे एन मिश्र जी चांसलर हैं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद के, एक बड़ी संस्था, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्तम और महनीय योगदान देने वाली एक बड़ी संस्था, ग्रामीण इलाके में इलाहाबाद जनपद के, जो नेहरू जी का जनपद था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वो संस्था आपने स्थापित की है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं और लंबा अनुभव भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करते हुए प्रशासन के क्षेत्र का, लोक प्रशासन के क्षेत्र का जहां आपको है, वहीं जो सबसे उल्लेखनीय पक्ष है वो ये कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के साथ लंबे समय तक उनके सहयोगी के रूप में, उनके विशेष कार्याधिकारी के रूप में आपने कार्य किया है। और स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी राजनीतिक सलाहकार के रूप में, राजनीतिक सचिव के रूप में भी आपने भारतीय राजनीति में महत्तम भूमिका निभाई है। तो जहां आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र का लंबा अनुभव है, वहां बड़े शीर्ष राजनीतिक प्रशासकों के साथ और विशेष करके जिसकी स्मृति में आज हम इस व्याख्यान माला के क्रम को छठे दिन आगे बढ़ा रहे हैं, उस विभूति पंडित कमलापति त्रिपाठी, जो एक विकास की राजनीति के प्रति समर्पित, नैतिक राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध, एक दक्ष और सुयोग्य राजनीतिक प्रशासक और संसद विद के रूप में सारे देश में जाने जाते थे, एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिबद्ध सेनानी और भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में जाने जाते थे, उनके साथ कार्य करने का लंबा अनुभव आदरणीय श्री जे एन मिश्र जी का है। मैं आपके और सब लोगों के और उनके बीच ज्यादा अवरोधक न होकर के मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री जे एन मिश्र जी को कि वो अपना उद्बोधन, अपना व्याख्यान इस वेब समागम में प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय श्री जे एन मिश्र जी। आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, जो त्रिपाठी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और मेरे प्रिय अनुज हैं, और इन सब समारोहों की समायोजन में जिनकी अहम भूमिका है, प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी और उनके सहयोगी मंडल का, खास तौर से हमारी अंजू बहन भी हैं उसमें, और परिवार के सभी लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों से मुझे प्रेरणा मिली है। पंडित जी के साथ बहू जी खास तौर से हैं। मैं कैसे कहूँ कि पंडित जी की प्रेरणा से ही आज जो कुछ हूं मैं, उन्हीं की देन हूं, उन्हीं की वजह से जहां हूं वहां हूं। प्रोफेसर राय, सच्चाई तो यह है, अगर पंडित जी ने न अपनाया होता तो मैं एक साधारण रूप से प्रशासनिक सेवा से रिटायर भी होते।
पंडित जी ने हमें हर तरह से इस तरह से हमारा पथप्रदर्शन किया, इस तरह से हमारे गलतियों को सुधारा, इस तरह से उसको सही रास्ता बताया कि जन सेवा ही सब कुछ है, शिक्षा सेवा सब कुछ है, पत्रकारिता भी बहुत जरूरी है। और आज सच्चाई ये है, जिस संस्थान के आपने नाम लिया है नेहरू राम भारती विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय नेहरू जी, फूलपुर क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के प्रतीत थे, और हम लोगों का गांव जहां उन्होंने शिलान्यास किया था वही है जमनीपुर, और वही पंडित जी ने 1962 में शिलान्यास किया था। वहां पत्थर पड़ा रहता था और हम लोगों की इच्छा होती थी कि यहाँ कुछ हो, बहुतों की इच्छा होती थी यहाँ कुछ हो। अब उदाहरण बस मैं बता दूं, पंडित जी भी हमारे यहाँ आए थे, जब हमने उनका स्वागत किया था 1976 में, तो पंडित जी ने भी कहा यहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, संगम है, प्रकांड विद्वान है, ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया होगा, वहाँ नेहरू जी का दिया हुआ यह पत्थर अभी भी खाली हो, हमें तकलीफ हो रही है, और जगदीश अगर तुम चाहो इसमें लगो तुम। अब हम तो अभी शुरुआती प्रशासनिक सेवा में थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन एक मन में कशिश थी कि पंडित जी के इन निर्देशों को, इन आदेशों का मैं अक्षरशः अनुपालन करूं। और जब मौका लगा तो प्रोफेसर राय साहब नेहरू जी के इस कल्पना को, जो एक तरह से गांधी जी का विजन था, नेहरू जी का मिशन था, और उन्हें कहा था, चुनांचे हमारे गांव के बच्चे शहरों में, भीड़ भाड़ वाली शहरों में नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं लिखेंगे, यहीं आगे बढ़ेंगे, हमारे किसान भाइयों की सेवा करेंगे और तकनीकी भी शिक्षा दी जाए उनको। तो नेहरू जी का सपना था। मैं पंडित जी को अपने स्वागत भाषण में अपने हृदय का उद्गार कहा कि आप मनीषी हैं, आज ने आपने हमें अपनाया है, पंडित जी बहुत बड़ा मुझे स्नेह और सम्मान दिया है, आज आपकी प्रेरणा से ये है। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा भी एक आदेश निर्देश है जगदीश, कि तुम हो सके तो इसका जरूर करो। तो नहीं कर सका, लेकिन 1996 में पहले संस्था खुली। संस्था के बाद नेहरू ग्राम भारती का शुभारंभ भी हुआ, उसी शुभारंभ के साथ मैं जो बता रहा हूँ राय साहब, मैं पंडित जी का बहुत ऋणी हूँ, अगर उन्होंने अपनाया होता तो हम कहीं नहीं जा सकते थे। इसीलिए साथ ही साथ कमलापत त्रिपाठी शिक्षा फाउंडेशन का भी निर्माण हमारे यहाँ हुआ है, और उनके माध्यम से, उसके तत्वावधान में हम पत्रकारिता संस्थान चला रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर शैक्षणिक संस्थाएं भी इनके तत्वावधान में हैं। तो जहाँ नेहरू ग्राम भारतीय सोसाइटी के तत्वावधान में, ये नेहरू की देन थी, नेहरू जी के शिलान्यास विश्वविद्यालय था, वो चल रहा है, वहीं साथ साथ संबद्ध होके दूसरा संस्थान ये भी है। और आज फिर बता दूं, मालविया जी ने इलाहाबाद में जाके बहुत बड़ा संस्थान दिया, पंडित जी ने हमको वहाँ पर भी बहुत बड़ा संस्थान की प्रेरणा दी है। और इसका ये नेशनल सिग्निफिकेंस की यूनिवर्सिटी थी, ये यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और इसका हर प्रदेश में ब्रांच खुलना था, और खुद गवर्नमेंट चलाती, हम खुद 100 करोड़ और करीब 150 बीघे जगह है उसको देने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल चाहते थे अगर आज कहीं पंडित जी जैसे महाविद्वान महान विद्वान होते तो इसमें दिक्कत न होती। आज मैं दिक्कतों के बावजूद में हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि पंडित जी को याद करता हूँ, और जब बताता हूँ आप अपने यूनिवर्सिटी के परिवार से कि मैं उन्हीं की देन हूँ, उन्हीं की प्रेरणा हूँ, उन्हीं को सब कुछ पा चुका हूँ उन्हीं से। तो पहली बार विश्वविद्यालय है ये जो ग्रामीण अंचल में जिसने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया है, और हमको UGC ने हमको बहुत ही साधुवाद दिया है, और जगह संभव नहीं है। लेकिन गरीब अंचल में जिस तरह से गरीब विद्यार्थी लड़के और लड़कियां हमारी पढ़ रही हैं, अगर लक्षागृह में रह करके एक लड़की कहे कि भैया हम आपकी यूनिवर्सिटी से PhD हुए, तो मुझे याद है मैंने कहा ये पंडित जी की देन है, और पंडित जी ने हमें तब अपनाया। आपको बता दूं, मैं जब उनसे
पहली बार मिर्जापुर में मिला तो वहाँ पर पंडित लोगों को बड़ा होल हल्ला जा रही है, जब हमारे यहाँ दिक्कत होती वहाँ तो हर हर महादेव कहते हैं। मैंने सब पंडितों की स्वीकृति से ही जहाँ बाबू आते थे और कहते थे कि हमें मैं पश्चिम की तरफ बैठता हूँ, मैं माँ की आराधना करता हूँ, कुछ हो सकता है कि उनका विंडो इधर भी खुल जाए, इससे जनता को तकलीफ ना हो, तो हमने उन्हीं के निर्देश पर मैंने पंडितों की सभा बुलाई और सबसे स्वीकृति लेकर के कहा कि हाँ ठीक है, विंध्याचल जी देवी का पश्चिम का भी दरवाजा खुलेगा। तो पश्चिम का दरवाजा खुलने से पंडित जी ने मुझको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा बहुत अच्छा काम किया। और तमाम लोग जो आते हैं जिनकी वजह से वसूली होती थी, जो हमारे पंडित लोग हैं बेचारे, हमें उनको सादर नमस्कार करता हूँ, लेकिन किसी वश करते होंगे तो वो भी एक हुआ, तो पंडित जी की देन है, यही शुरुआत नहीं हुई। फिर पंडित जी ने निर्देश दिया कि तुम आ जाओ बनारस में आ जाओ, और पंडित जी के निर्देश का अनुपालन करते हुए वहाँ मिलता था, कभी कभी आने पर प्रणाम करता था, लेकिन एक बार पंडित जी ने मुझको थोड़ा सा, हम भी थे महेश प्रसाद डीएम भी थे, मैं संस्मरण से सुना रहा हूँ शायद रेलिवेंट होगा, तो उन्होंने हमको कहा कि तुम क्यों चले गए पीएसी वाले ब्राह्मनगर में, अकेले नहीं जाना चाहिए था, ये गलत काम किया। और महेश प्रसाद ने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि एडीएम साहब मत जाएगी, तो पंडित जी ने जरा उनको निर्देशित किया मत बोलो, अकेले गया है बिना किसी अस्त्र के, अकेले जाके पीएसी के लोगों को संबोधित करके उनसे समर्पण करवाया, चुप रहो तुम, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, तुमको करना चाहिए, तो मुझे बहुत ताकत मिली। और इसी तरह से मैं बता दूं, मैं गया था पंडित जी के दर्शन करने 1973 में, उनके दर्शन करने के बाद पंडित जी ने, राधा कृष्ण गोस्वामी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझको रोक लिया, गुरु को बैठो, तो हमसे कहा कि पंडित जी के निर्देश, पंडित जी खुद नहीं कहा, देखिए उनकी विशालता, पंडित जी के निर्देश है कि तुम उनकी सेवा में ही लग जाओ, कहीं मत जाओ, बहुना जी चीफ मिनिस्टर से आदेश मंगवा देते हैं और आप यहीं पर रहिए। मेरे लिए अच्छा लगा कि भाई इससे बढ़ के मेरी क्या अवसर होगा, इस शब्द से पंडित जी के चरणों की सेवा में रहूं और कुछ उद्धार हो तमाम समाज का, इससे बढ़ के क्या अच्छी बात होती। मैंने कहा मैं निवेदन करता हूँ मुझको कुछ दिन जाने दीजिए, हमारा परिवार वही है, मैं जल्द ज्वाइन करूँगा, आदेश निकलवा दीजिए। तो मैं उनकी सेवा में गया, उनकी सेवा में गया तो शिपिंग ट्रांसपोर्ट में थे, हमारे देश के लोग मैं समझता हूँ हमारे पूर्वांचल वाले भी नहीं जानते, ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था वो दिया था गंगा टू हल्दिया का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में केवल केवल ट्रांसपोर्ट नहीं था, गंगा जी को इस तरह गहरा करना, बंडालिंग करना करना कि उससे हमारे पानी का दुरुपयोग ना हो और साथ साथ सफाई हो। उस वक्त प्रोजेक्ट हमने एक टेम्स रिवर कर दिया कि बाबू जी ये बाबू ये देखिए टेम्स रिवर में इस तरह से गंदगी, हमारे यहाँ तो गंदगी ऐसी है नहीं, उनके यहाँ तो टेम्स रिवर में गंदगी की जबरदस्त चलती थी, जो भोजन करते हैं गंदे भोजन, गंदा भोजन नहीं कहूँगा, मतलब सामी शामिश की बात है, तो हमको भी ऐसे चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि प्रोजेक्ट बनाओ, वो प्रोजेक्ट बन गया था। उस प्रोजेक्ट का ये था कि एक्सपेरिमेंट भी हुआ, वहाँ से शिप भी चली, एक्सपेरिमेंट होने के बाद तमाम ऐसी चीज़ें होती गवर्नमेंट में, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो चल नहीं पाता, लेकिन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी पे इस वक्त है, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से पंडित जी का निर्देश धारण करते हुए हमने अपने विश्वविद्यालय में गंगा सेवक और गंगा रक्षक रखा है। पंडित जी ने यह भी कहा कि देखो अपने देश में जल का कितना ज्यादा जल है, जल साधन है, जन संसाधन है, दोनों को हम जोड़ दें तो न हम बाढ़ में बहेंगे न तो सूखे में सूखेंगे, और उससे हमारा कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी, साथ साथ जॉब भी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, मनरेगा नहीं, मनरेगा का बाप उधर क्या सकता है अगर हम ऐसा करें, और बहुत चीजें चलती नहीं, बताऊंगा आपको, पंडित जी से प्रेरणा मिलता रहा। इसी तरह से पंडित जी जब डीटीसी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, तमाम उन्होंने एक ऐसी श्रृंखलाएं चलाई बस की जो सबको मालूम हुआ कि कितनी चल रहा है, शिपिंग में शिपिंग का टनेज बढ़ाया उन्होंने, समझौता नहीं किया, कोई चाहता था शिपिंग न बढ़ाए और साथ साथ शिपिंग का हम बेच दें, नहीं माना पंडित जी, बहुत ऊपर से प्रेशर आया, नहीं पंडित जी ने माना, पंडित जी की कृपा थी। फिर पंडित जी को मौका मिला रेलवे में जाने का,
और रेलवे में जाने पर पंडित जी सुबह ही थोड़ी देर में 2-3 दिन बाद मालूम हुआ कि रेल बजट होगा 7-8 दिन बाद। रेल बजट पढ़ने के बाद हमको बोले कि तुमको किसलिए मिले हैं, गाली खाने के लिए, ये बताओ कि बंबई के लोग जो जाएंगे किस तरह से कहाँ से पैसा पाएंगे, किराया बढ़ रहा है और इस तरह से हमारा किराया नहीं बढ़ेगा और तुम करो कि किराया मत बढ़वाओ और आगे जितनी और चीज़ें सब वो और हमारा सरप्लस बजट होना चाहिए। अब पंडित जी ने कहा मैं आपका कार्यान्वयन कराऊंगा पंडित जी। तो वहाँ पर रूसी एक ऐसा शिष्टमंडल ऐसा मंडल था जो सब चीज सब चीज़ें परफॉर्म करता था नीचे ज्वाइंट से ज्वाइंट डायरेक्टर की। ज्वाइंट डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं संभव है, हमारा रेलवे बोर्ड का संभव है, रेलवे का बजट टाइम कम है, नहीं रिकास्ट हो सकता। तब उसके बाद पंडित जी ने कहा क्या होगा, उसमें एक थे कॉल साहब एमटी कॉल, बहुत ईमानदार आदमी थे, एक दूसरे और थे, तो दो लोग हमसे अलग से मैं मिला। मैंने कहा पंडित जी की ये उम्मीद है ये आशा है कि रेलवे से उनको स्पेस मिलेगा, उन गरीबों का टिकट न बढ़े, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप डेफिसिट बजट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मिश्र जी गलत है ये, हम कर सकते हैं इसको, तो उनको बाबू से अलग मिलवा दिया और बाबू ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम करो। उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने दो शब्द कहा कि मुझको जनता की सेवा का तजुर्बा है, जनता की से जनता को अपने कार्यकाल में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, हम टिकट हम बजट में टिकट नहीं बढ़ाएंगे टिकट की कीमत, इसलिए आप लोग करिए और इसको संपन्न कीजिए। हमारे चेयरमैन ने बेली साहब थे, उन्होंने कुछ आपत्ति किया कि साहब संभव नहीं है ये, लेकिन मैंने बता दिया पंडित जी हमारा रेलवे बजट रेलवे विभाग बजट का अलग से प्रेस रेलवे प्रेस वो 4 दिन के अंदर रिकास्ट कर सकता था, ये जानकारी दी। तो पंडित जी ने भी कहा भाई आपके पास संसाधन है आप 4 दिन में कर सकते हैं रिकास्ट, रिकास्ट करिए, मैं ये नहीं चाहता गरीबों को तरस, और गरीबों की बात फिर बॉम्बे की कही उन्होंने, सोचिए क्या कल्पना थी उनकी। और आप देख लीजिए कि रेलवे के टाइम में 75, 76, 77 3 बजट पंडित जी ने पेश किया, एक पैसा नहीं बढ़ा है, सर्वाधिक आमदनी हुई है, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का एक रिकॉर्ड वहां स्थापित हुआ है जो कभी नहीं हुआ था। और नहीं राय साहब मैं कहना चाहता हूँ पंडित जी के कार्य शैली का उस वक्त की उपलब्धियों का आदरणीय मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा है, कहा कि रेलवे का स्वर्णिम काल कोई था तो 75, 76, 77 का था, और वो स्वर्णिम काल की श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जी के नेतृत्व को, पंडित जी के व्यक्तित्व को, वो कोई समझौता नहीं कर सकते। और आज भी इस बात की मैं दावे के साथ कहता हूँ आश्वस्त हूँ पंडित जी जैसे लोगों का नेतृत्व मिले जिनके अंदर प्रशासनिक क्षमता है जो काफी सोच सकते हैं और सबको साथ ले चलने का है। पंडित जी ने किसी अधिकारी को कोई अपशब्द नहीं कहा लेकिन दृढ़ता पूर्वक बजट बोर्ड के मेंबर्स को कहा, एक ऐसा कुछ मामला आया जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का मायना उठा तो रेलवे बोर्ड इसके सख्त खिलाफ था, इससे साहब हमारा लूजिंग प्रोपोजिशन है, गुड्स ट्रेन हमारे प्रॉफिट वाला प्रोपोजिशन है। लेकिन तब तक मैंने पंडित जी को ब्रीफ कर दिया था कि बाबू समय आ गया है, जांच फंडीज की स्ट्राइक के बाद रेलवे स्वस्थ रूप से आगे बढ़ सकती है, रेलवे की वो लाइबिलिटीज वो चीजें जो लाइबिलिटी थी खत्म हो गई है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चला सकते हैं, के एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, तो तमाम हिस्टोरिक नदियों के नाम से एक्सप्रेस चलाना, हिस्टोरिक जगहों के नाम से चलाना, ये पंडित जी की सूझ है, पंडित जी की देन है, और उससे पंडित जी को काफी स्वेच्छ मिला, तो वो ट्रेन चली और सबसे अधिक आमदनी हुई है। और यही नहीं तो हमारे पास जो हमारे पास कारपोरेशन थे राइट्स के और इकॉन के जिनकी ऐसी प्रशस्त बढ़ी कि जापानीज चेयरमैन आया था उसने कहा इंडिया को क्या हो गया, मिराकल हो गया, हमको तो नहीं मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट सब मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है, क्या खास बात है। तो पंडित जी ने ऐसा करिश्मा किया था, अपना नेतृत्व दिया था बिना कोई समझौता किए। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय लोगों से उनको प्रणाम करते हुए कि ऐसा सफल और अच्छी तरह से प्रबुद्ध नेतृत्व मिल जाए, ईमानदारी के नेतृत्व मिल जाए और साथ ही साथ उसके साथ और दूसरे लोग भी सीख लें और उनको उनके साथ एक ऐसी टीम मिले जो उनके कार्यों का उनके उद्देश्यों का अनुपूरण करे। तो रेलवे जिस तरह से रिकॉर्ड किया गोल्डन पीरियड रहा, ऐसे ही दूसरी जगह भी हो सकता था। तो पंडित जी के कार्यकाल में ऐसी चीजें हुई जिसका मैं भी सहयोग रहा, मेरा भी मैं भी संबद्ध रहा,
अब यही नहीं, आप सोचिए, मैं पिछली बार एक बार आया था, मुझको औरंगाबाद में बुलाया गया, उनकी कृपा है, मैं औरंगाबाद परिवार का हूँ और सब जानते हैं परिवार की तरह से। तो उन्होंने कहा आप MR ट्रेन चलाते हो, MR डिजायर्स की बात नहीं है, मिस्टर डिजायर का ऐसा जादू रहता था कि जब तक वो पहुंचती नहीं थी लड़कियों के अपॉइंटमेंट मिल जाता था। क्यों? जब पंडित जी के पास जवाब आने लगा रेलवे मिनिस्ट्री का, ये संभव नहीं है, नियमानुसार होगा सर्विस कमीशन से, डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं होता। तो पंडित जी ने कहा क्या कर सकते हो भाई, देखो डायरेक्ट हमको गाली देने के लिए चिट्ठियां नहीं भेजनी, हमने एक भी जवाब नहीं दिए। तो जनता से इतने जुड़े हुए थे कि बहुत चिट्ठी में बहुत मुश्किल होती थी। अब मैं ब्यूरोक्रेट था, पहले समझाया कि बाबू नियम के खिलाफ होगा, जाओ बैठ जाओ फिर जाओ फाइल अपनी, एक फाइल नहीं करूंगा, नियम के विरुद्ध होगा, ये से करने के लिए आए हो क्या? तो मैंने सोचा कैसे करे, कोई रास्ता निकाले। तो रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई GM's की, GM से कहा कि इतना ज्यादा ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हमको स्टाफ चाहिए, तो उन्होंने खुद इंडिकेट किया कि स्टाफ हमको चाहिए, कि स्टाफ का इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हो, इलाहाबाद के सेंटर बनाया गया, और साथ साथ ये कहा गया कि जो भी और भी आए एप्लीकेशन उन सर भी कंसिडर हो। तो पंडित जी ने, हमने ये कहा कि पंडित जी के यहाँ से भी आएंगी, लोगों ने कहा कोई इंडिकेशन तो कि हमारा डिजायर माने तो पक्का है, और ये मार भी कंसिडर वाले से भी कटेगी, और सी हम लोग दस्तखत करके भेजते थे, लेकिन बनारस और हमारा जो पूर्वांचल है ये कभी मानने वाला है, वो सी कोई रहना चाहिए, सब दौड़ के करके सब एक कैटेगरी में आते थे। अब उस वक्त रिकॉर्ड नौकरियां मिली हैं, इंदिरा जी के यहाँ शिकायत भी किसी ने किया, पंडित जी ने कहा इंदिरा जी के यहाँ शिकायत गई भाई यूपी के बहुत लोग हो गए, तो कह जाओ समझाओ धवन को दे दो, धवन जी उनके साथ काम कर दे। मैं गया धवन जी के यहाँ, तो मैंने कहा कि धवन यार इंदिरा जी को समझाओ, प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसा कोई जाति नहीं यूपी के लोग हुए ज्यादा, तब तक इंदिरा जी आ गई, और धवन जी ने कह दिया कि मैम ये जैन मिश्रा है, ये पंडित जी के साथ, हाँ आप जैन मिश्रा हैं, पंडित जी साथ आप रेलवे में नौकरियां देते हैं। मैंने कहा हम लोग नहीं देते, बोर्ड देता है मैडम, सर्विस कमीशन देता है। नहीं नहीं नहीं, बड़ी जोर से चिल्लाई इमरजेंसी का पीरियड से, कहा नाथूराम नाथूराम, तो नाथूराम आ गए, कहा है तुम्हारे भाई का परीक्षण, तो उन्होंने भाई का परीक्षण दिया, तो हमने देखा उसको कर सकते हैं नियम से। मैंने कहा मैडम हो जाएगा। अच्छा नियम से? मैं कहा नियम से, तो ठीक है। फिर रास्ते मैंने कहा मैडम से मैं शिकायत हुई पंडित जी की कि पंडित जी ने यूपी के लोग बहुत कर दिया। अरे भाई यूपी की मैं भी तो नेता हूँ, वो एक है वो सम्मान वो कुछ कुरिशी सफी कुरिशी वो शिकायत करता रहता है, चिंता मत करो पंडित जी को, कोई चिंता नहीं। मैंने चंडी जी का चरण स्पर्श किया, फिर और तेजी से रिक्रूटमेंट हुआ। अगर यादवेंद्र ने पूर्वांचल गोरखपुर में 3-4 लोगों की दरख्वास्त दी कि हमको RPF में 3-4 लोग भर्ती कर दीजिए, हम कह एलिजिबल है कि नहीं, तो बाबू ने कहा भाई पूर्वांचल हमारे लिए करो कुछ, गोरखपुर हमारा घर है उस मंडल में। तो गोरखपुर में बटालियन रेस हो गई RPF की, रेलवे में बना रेलवे के काम में पंडित जी कार्यकाल में बनारस में दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई है, CRPF की भर्ती हुई है, RPF की भर्ती तो नहीं होती थी, पंडित जी का हक था। तो पूर्वांचल में उस वक्त पंडित जी की बड़ा ऐसा जबरदस्त गहरा तगड़ा नेतृत्व था कि उनके कार्यकाल में बहुत चीजें अच्छी से जो संभव हुई संभव चीजें हुई, और नेता नहीं कर सकते ऐसे। और तो और आप सोचिए इमरजेंसी टाइम में राय साहब, मैं बताऊं आपको कि पंडित जी के पास एक खत आया जो मेरे थ्रू आया, राजनारायण जी ने जेल से कर दिया बनारस के, आप वेरीफाई कर लीजिए, लिखा खत कि पंडित आदरणीय पंडित जी से कहिए कि हमारा बेटा ओम प्रकाश हमने कभी नहीं कहा है, कभी याचना नहीं की है, मैंने लड़ाई किया है, तो मैं मांग रहा हूँ ओम प्रकाश के लिए। और बाबू के पास गया, बाबू ने कहा क्या उनका बेटा कालाभाटा कह दो करो, और करना हुक्म था। तो हम भी राजनारायण से बहुत प्रभावित थे। देखिए हमारे पूर्वांचल में सचमुच अगर कोई त्यागी तपस्वी जिसके पास एक पैसा नहीं रह गया लड़ता रहा तो राजनारायण जी से, उसके प्रति हमारी बड़ी अच्छी वे थी, और पंडित जी से बड़े अच्छे संपर्क थे उनके। तो उन्होंने हुआ तो नियुक्ति हो गई उनको, जैसे ही नॉर्दर्न रेलवे नियुक्ति हुई लोगों ने शिकायत शुरू कर दिया, ऐसा है दीदी ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हुआ। तो लोग संजय जी के यहाँ चले गए, पहुंच गए तो मैं संजय जी मिला, मैंने कहा क्या राजनाथ माँ से बात की, मैंने माँ से बात किया कि नहीं कर दिया ठीक है। राजनाथ जी भी कितनी हृदय विशालता थी इन लोगों में, इंदिरा जी ने कह दिया कर दिया ठीक कर दिया।
और एक बार बता रहा हूँ, उस वक्त भी इमरजेंसी में नेताजी ने कहा, इंदिरा जी के देश की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी, ये उन्होंने कहा, मिनिस्टर रहते हुए कहा। बताइए कितना बढ़िया संपर्क रहता है, सामंजस्य रहता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके संबंध अच्छा रखने के लिए, और वो राजनाथ जी हमारे लिए भी बहुत पूजी से बहुत बातें और बताऊंगा। समय आपने कम दिया है मुझको, बहुत चीजें कहनी थी, और उसमें राय जी हमें कम से कम और समय चाहिए, तो कुछ नहीं, अभी शुरुआती हुई है। और रेलवे के बारे में बहुत कुछ और बताना था, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आगे संक्षेप में दो चार बातें बता के अपना कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं शायद 15 मिनट तक कर चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है हिंदी का प्रचार प्रसार। पंडित जी के टाइम में हिंदी का इतना जबरदस्त और प्रभावशाली प्रचार प्रसार हुआ है कि शायद कभी नहीं होगा। हमने देखा है समाजवादी पार्टी की भी आंदोलन, अंग्रेजी फाड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, उससे और पिछड़ा जाता था, लेकिन पंडित जी ने मिल के जिस तरह से सभी चीफ मिनिस्टर को खत लिखा कि हिंदी संपर्क की भाषा है, हमारी राजभाषा है, बोलचाल की भाषा है, वहाँ भी हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं को देते हुए, तो सभी ने रिस्पॉन्स दे दिया एक्सेप्ट MGR। MGR ने थोड़ा कहा, लेकिन MGR ने फिर बाद में कहा कि नहीं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। और उस बीच में हमारे यहाँ के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का क्या हो सकता था, वो हिंदी पंडित के रूप में भेजे गए, पंडित जी के तवे पे तमाम ढंग निकाले गए, बिन निकाले गए, कि कैसे किया जाए। तो हिंदी पंडितों की संख्या हर डिवीजन पर, हर जनरल मैनेजर के यहाँ बढ़ गई, और इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार साहित्य से बहुत तेजी से हुआ। और हिंदी के डायरेक्टर शिवशाकर मिश्र थे, हिंदी की सलाहकार समिति थी जो पूरे रेलवे में जाती थी और ट्रेवल करती थी, पूरे रेलों का आकलन करती थी। तो पंडित जी कार्यकाल में हिंदी का भी बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी हमने देखा, लेकिन एक बात होता है कि पंडित जी जनता और कार्यकर्ता से इतने तगड़े जुड़े थे कि कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी। दिल्ली में जब आए तो हमने एक बार उनका अपॉइंटमेंट रखा, तो अपॉइंटमेंट रखने के बाद कुछ हमें सिग्नल मिल रहा है कि शायद हमारा टाइम खत्म तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से पंडित जी ने जो किया हिंदी के लिए वो बहुत ही जबरदस्त था। और दूसरा, पंडित जी के कार्यकाल में ही और पंडित जी ने ऐसा कुछ किया जो कि एकदम स्मरणीय है, और सर्विस कमीशन का तो परिवर्तन किया गया, साथ साथ उस वक्त मैक्सिमम अर्निंग भी हुई है, और पंडित जी की वजह से तमाम और चीज़ें हुई हैं। अब मैं इस पक्ष में अगर कहूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा, मैं और भी कहना चाहता हूँ, पंडित जी की राजनीतिक सूझबूझ भी बहुत तगड़ी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की आपत्ति आई, कांग्रेस में कोई नहीं जीता 77 में, तो उस वक्त भी पंडित जी ने इंदिरा जी का साथ दिया, और मीटिंग में उन्होंने कहा, देखिए कांग्रेस में अक्सर होता रहा है, मैं तो 79 में भी देखा कि कांग्रेस के बहुत लोग चले गए, छोड़ गए, इंदिरा जी अकेले रह गए, और इसी तरह से आज भी जैसे हो रहा है कांग्रेस में बहुत लोग चले जा रहे हैं। और उस वक्त भी 79 में इंदिरा जी की हार के बाद संजय जी भी हार गए, इंदिरा जी भी हार गई, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस में एक भी कोई नहीं जीता था। उस वक्त तमाम बड़े बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर सब ने साथ छोड़ दिया। पंडित जी ने हमको इंदिरा जी के यहाँ भेजा, कहा इंदिरा जी को पहले कोई प्रेस की कटिंग कोई दे दे, तो पंडित जी ने कहा मेरे पास जैन मिश्र है, उनको भेजता हूँ। तो मैं गया तो धवन जी हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा ठीक है आइए ये करिए। कुछ दिन बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी चिट्ठियाँ हैं, पंडित जी कही इनसे चिट्ठियाँ हमारे भेज दें, तो उसकी उनकी पंडित जी की चिट्ठियाँ जाने लगी, मतलब पंडित जी ने कहा इंदिरा जी चिट्ठियाँ जाने लगी। और चिट्ठियाँ जब पहुँची तो अगर आपके पास पहुँची, प्रिय डॉक्टर राय आपका समर्थन संदेश मिला, और इस संदेश से हमको बहुत ताकत मिली है, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी, तो आप कितने प्रभावित होंगे। और इसी तरह से बिहार में किसी गांव को लिखा गया चिट्ठी इंदिरा जी की ओर से कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ताकत मिली। तो बिहार के लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे इंदिरा वापस लाएंगे, तो एक तरह से इंदिरा जी के इस सब मजबूती या फिर से सत्ता की वापसी में पंडित जी का योगदान रहा।
पंडित जी ने हर वक्त कहा इंदिरा जी नरक में चलिए तो हम आप नरक में रहेंगे। उस मीटिंग में पंडित जी ने बहुत जोरदारी से समर्थन किया, नहीं तो जितने लोग थे उनका नाम मैं क्यों लूं। दो ही चार लोग रह गए थे, एक तो बीपी मौर्य जी थे, एक पंडित जी थे, और जी प्रकरण पर बीपी मौर्य भी साथ छोड़ गए थे। जब चरण सिंह का समर्थन हुआ था तो बीपी इंदिरा जी ने वो आए थे अपना ताला माला लेके उनका स्वागत करने, चरण सिंह आए नहीं तो छोड़ चले गए। लेकिन कांग्रेस में पंडित जी हरदम बने रहे और पंडित जी के बने रहने से ही कांग्रेस में हरदम ताकत रही। उनको देख करके ऐसा लगता था जो जितने थे इंडिया जिंदा कहने वाले, नाम लेना उनका ठीक नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को सबकी चीफ मिनिस्टर तक उनका साथ छोड़ गए। लेकिन पंडित जी अकेले रहे तो पंडित जी कहने से इंदिरा जी की फिर से वापस आई, दो साल में वापस आई है। कहा मतलब जनता पार्टी 77 में आई और 79 में इंदिरा जी की वापसी हुई। राय साहब आप दिखा रहे हैं, कुछ वार्निंग दे रहे हैं मुझको कि हमारा समय समाप्त हो रहा है। मैं संक्षेप में फिर दो तीन चीजें बता देता हूँ। पंडित जी को यूपी में जब दिल्ली में गए पंडित जी उनके साथ लगा तो पंडित जी को रेजिमेंट करना बड़ा मुश्किल था, कैसे मिलवाए वो सबसे इकट्ठे मिलना चाहते थे। लेकिन दिल्ली में अपॉइंटमेंट होता है, बिना अपॉइंटमेंट के रेगुलर मिल नहीं सकते आप फिर नहीं। और पंडित जी के साथ अपॉइंटमेंट किया था एक बलदेव गुप्ता थे, वो पंडित जी खूब अपने चिट्ठियों में गाली देते थे संता तनाई के साथ जेल में रहे। और पंडित जी उनको इतना मानते थे हमसे कहा कि ले आओ जेल से जाओ, आपने बलदेव गुप्ता के लिए 5 मिनट को रेड में रखा है, कोई मशीन हो क्या? 1 मिनट में इसे मिलो, 2 मिनट में उनसे मिलो, 3 मिनट उनसे मिलो। अरे मिलना तो दिल से कि क्या मैं बलदेव गुप्ता हमसे आधे काम से बैठेगा, हमको गालियां भेजेगा, सुनाएगा, हम लोग प्यार करते हैं दूसरी बात से। बलदेव गुप्ता जैसे लोग हमें मिले तो ताकत मिलती है। तो देखिए उदारता देखिए उस वक्त कितनी जबरदस्त उदारता होती थी। इस तरह से पंडित जी कहा तो उनको धीरे धीरे रेजिमेंट किया मैंने पंडित जी को। मैंने कहा बाबू हमको 3 से 6 बजे टाइम दे दीजिए और सब मिलते रहिए। 6-7 बजे के बाद दरबारी लग जाता था, दरबार लग जाता बहुत बड़ा दरबार होता था। अब इसके बाद और तमाम चीजें, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बाबू को कम मत आंकिए। इंदिरा जी के यहाँ एक फॉरेन प्रेस का मंडल आया था तो उसने कहा कि इंदिरा जी आपके यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या, सब आपके अलावा कोई मर्द नहीं काम उसमें। इंदिरा जी ने कहा इनसे मिलवा दो, एपी शर्मा से बात उसको मिलवा दो। हम पंडित जी के यहाँ भी ले गए, पंडित जी से बता दिए बाबू फॉरेन प्रेस वाले आ रहे हैं, क्यों वे ग्रुप बनाते हैं फॉरेन प्रेस में क्या करूँगा। लेकिन फॉरेन प्रेस बैठे रहे, 2-4 ही शब्द कहा उन्होंने। और जाते समय जब गए हैं इंदिरा जी ने पूछा आप लोग मिल लिए सबसे, द ओनली मैन इन योर पार्टी इज पंडित कमलापति, दैट्स व्हाट दे से। सो दिस इज व्हाट वाज पंडित जी। अब जिस घंटी बज रही जिसके माने मेरे आधा प्रकरण तो रह गया था, बड़े बड़े जरूरी प्रकरण उसमें रह जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बंद कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बहुत सी और चीजें हमारी रह जा रही हैं, फिर हमें मौका दीजिए राय साहब तो फिर अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई हमारे अगल बात दीजिए तो माफी चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आपके सब जो अंतरंग अनुभव थे प्रशासनिक कार्यों के कि किस तरह से वो स्वर्णिम काल बना था रेलवे का काल जो पंडित कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में जब 1975-76-77 तक संचालित हुआ और किस तरह से कार्य हुआ जहाजरानी में मुद्रिका सेवा से लेकर के और हल्दिया तक शिप चलाने का, वो सारी बातों के साथ उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को जिस तरह से आपके सामने रखा, हम सब आपके आभारी हैं। और आपका लंबा अनुभव उनके साथ काम करने का रहा है और उस आधार पर ही ये सारी बातें आपने रखी तो स्वाभाविक है कि आपके पास अभी ऐसा बहुत कुछ कहने के लिए हो सकता है, फिर किसी अवसर पर जरूर हम लोग सुनेंगे। अब एक वक्ता जो दूसरे हैं हमारे उनको मैं आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज अंत में इस कार्यक्रम के कुछ श्रद्धांजलि प्रस्ताव भी है और हम सब वाराणसी से कांग्रेस के पूर्व सांसद श्री राजेश मिश्र जी जो पिछले दिनों एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए उनके प्रति अपनी शुभकामना भी प्रकट करते हैं और बाबा विश्वनाथ से ये कामना करते हैं कि वो शीघ्र उनको स्वस्थ करें। मैं तो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता हूँ लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूँगा अपने साथियों का जो पृष्ठभूमि में रह करके बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस लगातार जो सीरीज चल रही है वृत समागम की और आगे 3 तारीख को पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती के अवसर पर बड़े वेब सेमिनार की जो योजना है
उसमें श्री विजय शंकर पांडे जी, श्री बैजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र सिंह, बैकग्राउंड में अंजलि त्रिपाठी जी, और तकनीकी सहयोग में ऋषि उपाध्याय और पुनीत मिश्रा, ये पूरी एक टीम काम कर रही है जिससे पंडित कमलापति त्रिपाठी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से उसके हर आयामों को, उनके हर आयामों को स्पर्श करते हुए हम आप सबके बीच रख सकें, इसकी कोशिश हम लोग आगे चला रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच श्री ओंकार सिंह जी हैं। ओंकार सिंह जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ लंबा अनुभव जहां उनका है, वहीं जयंत मिश्र जी की तरह वो उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में भी रहे हैं और एक प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में उन्हें भी निकट से पंडित कमलापति त्रिपाठी और उनके साथ काम करने वाले जो राजनीतिक महानायक गण थे, उन सबको निकट से देखने समझने का एक अवसर मिला है। तो उनकी अपनी स्मृतियां हैं, उनके अपने अनुभव हैं और उनके अपने संस्मरण भी हैं, और एक राजनीतिक समझदारी वाले व्यक्ति वो हैं। तो मैं अब उनके और आप लोगों के बीच ज्यादा अंतराल न रखते हुए मैं श्री ओंकार सिंह जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो पंडित कमलापति त्रिपाठी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डालने का कष्ट करें। श्री ओंकार सिंह जी। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं, आपने बोल दिया, मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पंडित जी एक महान विभूति थे और उन पर कोई एक आदमी बोल के और समझे कि हम समाप्त कर दिए हैं, सारी बातें बता दिए हैं, तो ये अपने आप में एक मूर्खता होगी। पंडित जी के बारे में कुछ कहने से पहले मैं कुछ अपने अनुभव आपसे साझा करूं। पूरे जीवन में पंडित जी के साथ मेरा 3 बार साक्षात्कार हुआ। ऐसे तो बहुत बार मैंने देखा क्योंकि मैं सरकार में अधिकारी था, लेकिन 3 बार व्यक्तिगत रूप से साझा हुआ। और जिस प्रेम का आशीर्वाद वो मैं भूल नहीं पाता। सब मुख्यमंत्री और मैं उस समय पढ़ रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ के अंदर एक सामाजिक संस्था थी, विश्व भारती नवयुवक संघ, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। और ये संस्था जो समाज में गरीब बच्चे होते थे, मेधावी छात्र होते थे, उनमें से 2-1 बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराते थे, उनको किताबें उपलब्ध कराते थे। बहुत बड़ी संस्था नहीं थी कि कई लोगों को ले सकें, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पे उनको प्रोत्साहित करते थे, एक भव्य कार्यक्रम करते थे जिसमें प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल होता था वो उस कार्यक्रम में आते थे और कार्यक्रम में भाग लेते थे। पंडित जी को भी हम लोगों ने इनवाइट किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, वो आए, मैं जनरल सेक्रेटरी था, सारा कार्यक्रम हुआ, उनका भाषण हुआ, परिचय हुआ, विशेष बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके चेहरे का तेज देखकर और गंभीर देखकर मन बहुत आकर्षित हुआ। दूसरी मुलाकात हमारी हुई 1978 में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री के पद से हट चुकी थी और उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही थी। मीराबाई मार्ग स्टेट गेस्ट हाउस पे वो आके रुकी, मेरा उनसे परिचय हुआ और कुछ उन्होंने मुझे काम बताया कि इसको करवा के 10 बजे तक कर देना। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, पंडित जी भी आए थे, बहुत से नेता आए हुए थे, सब लोग उनके साथ इंदिरा जी के साथ गए। तो जैसे वो बाहर निकली रिसेप्शन पे,
उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरा नाम लिया, ओंकार उस काम को करा देना, मेरे पास समय नहीं है। और इतना मेरा नाम लिया, मुझे भी ताज्जुब हुआ। पंडित जी ने मुझको देखा, चले गए। जब लौट के आए, गर्मी का दिन था, पंडित जी एक हाथ में बेना था, पंखा हिलाते हुए मेरे ऑफिस में आए और मुझसे पूछने लगे, तुम कहाँ के रहने वाले? मैंने अपना परिचय दिया तो वो मेरे पिताजी को भी जानते थे, मेरे चाचा जी को भी जानते थे, सबका नाम लिए, सबके बारे में बताए। और यहाँ तक कहे कि जब टीएन सिंह जी मिड टर्म इलेक्शन लड़ रहे थे अपना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, तो गोरखपुर में तुम्हारी बहन के घर मैंने खाना भी खाया। मेरा मन गदगद हो गया। मैंने कहा, इतना बड़ा आदमी और वो इस तरह से बात कर रहे हैं, मैं आनंदित हो गया। उसके बाद वो चले गए। तीसरी भेंट मेरी हुई जब वो केंद्र में मंत्री थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 3 सितंबर का दिन था, पंडित जी का जन्मदिन था और उनका निवास उस समय विधानसभा मार्ग पर हुआ करता था। उन्होंने अपना मकान नहीं छोड़ा था जिसमें आजकल भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है प्रदेश का। स्टेशन पे मुख्यमंत्री भी गए थे रिसीव करने के लिए, मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य गए थे, चूंकि पंडित जी का जन्मदिन था सब लोग उनको बधाई देना चाहते थे। मैं भी गया था, मैं प्रोटोकॉल अधिकारी था, मैंने उनको जाके रिसीव किया। तो जब पहले सब लोग मिल लिए और जब मैं आगे बढ़ा तो विश्वनाथ प्रताप जी ने ही मेरा परिचय कराया कि हमारे प्रोटोकॉल अधिकारी हैं, आपकी अगवानी के लिए आए हैं। फिर हम उनके साथ गए पूरे स्टेशन से और विधानसभा मार्ग तक। हालांकि विश्वनाथ प्रताप जी भी बैठे हुए थे लेकिन पंडित जी सिर्फ मुझसे बात करते रहे और मैंने उनको याद दिलाया स्टेट गेस्ट हाउस वाली घटना, उनको पूरी तरह से याद आई। और बात करते हुए जब मैं घर आया वहाँ पे विधानसभा पे, तब उतरे और फिर मुझसे कहा, अब तुम जाओ और रिसीव सी ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो इतने सरल वो थे, इतने मृदुल स्वभाव के थे कि जो एक बार मिल लेता था वो कभी भूल नहीं सकता। 19 वर्ष की अवस्था में, लोग कहते हैं वो राजनीतिक थे, मैं उनको राजनीतिक नहीं मानता हूँ, मैं उनको देश का सेवक मानता हूँ। वो राजनीति में देश की सेवा करने के लिए आए थे, राजनीति से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे। और पंडित जी के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्होंने राजनीति से प्राप्त किया हो। मेरा मन मतलब धन के भाव से है और वो देश की सेवा करने आए थे और जिस पार्टी के विचारधारा से आए थे उसी पार्टी की विचारधारा से अपने अंतिम सांस तक जुड़े रहे। आप सोचिए 19 वर्ष की आयु में जो लड़का, नौजवान लड़का पढ़ रहा हो, पीयूसी में हो, एकाएक उसका देशभक्ति की तरफ दिमाग जाए और सारी पढ़ाई छोड़ के 1921 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जेल गए, पुलिसिया उत्पीड़न सहा, कितनी बार जेल जाना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थान बनाया। शायद बहुत लोग न जानते हो, पंडित जी ने सबसे पहले जो कार्यक्रम में हिस्सा लिया वो वहाँ जो रूपरेखा बन रही थी उसमें पानी पिलाने के साथ लिया। पंडित जी एक ब्राह्मण परिवार के थे और सनातनी धर्म के थे और डेली 2 से 2.5 घंटे पूजा करते थे। इसमें बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि जब वो पूजा करते थे तो उनके पूजा की सामग्री कभी कभी उनके अंगरक्षक रजी मियाँ रखा करते थे जो मुस्लिम धर्म के थे और पंडित जी पूजा करते थे। ऐसे थे पंडित जी। पंडित जी ने इस प्रदेश के लिए जितना काम किया, 1937 में पहली बार विधानसभा में आ गए, 46 में चुने गए, संविधान सभा में आए और 52 से लेकर लगातार 73 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे और मंत्री रहे और मुख्यमंत्री हुए। बीच में जब सरकार नहीं बनी तो नेता विरोधी दल भी रहे और उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 1 बार लोकसभा के सदस्य रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहे। कभी बाहर जाने की कल्पना भी नहीं की उन्होंने कि हमें बाहर भी कभी जाना, ऐसा विचार ही नहीं कभी दिमाग में उनके आया जैसे आजकल के नेता कर रहे हैं कि जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाते हैं और वो करने लगते हैं। एक वाक्य आपको बताऊं, 1967 का किस्सा है,
हिंदी आंदोलन अपने चरम पर था, पूरे प्रदेश भर के छात्र, हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी छात्र थे, वो सब आंदोलन कर रहे थे हिंदी के लिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो। और उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय एसपी राणा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सरदार बेल सिंह जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। एसपी राणा ने एक हजारों लड़कों का जुलूस पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजभवन तक निकाला था, फिर वहाँ सभा हुई और फिर विसर्जित हुआ, और दसियों हजार छात्र बनारस में काशी विद्यापीठ के उस समय भाई विजय शंकर पांडे अध्यक्ष हुआ करते थे यूनियन के, उनके नेतृत्व में 10,000 लड़कों ने, सारे बनारस के स्कूल कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने रेलवे स्टेशन घेर लिया था। और रेलवे स्टेशन घेरने के बाद आप समझिए कि पंडित जी को जाना था, उड़ीसा में अधिवेशन हो रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और लड़कों ने कहा था कि किसी भी कांग्रेस के मेंबर को हम वहां भाग नहीं लेने देंगे। प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, कांग्रेस विपक्ष में थी। पंडित जी अपने घर से जब चले तो जिले का सारा अमला जो था उनके साथ गया, और जब उनके साथ गया तो पंडित जी ने स्टेशन पे ही सबको रोक दिया और लड़कों के पास अकेले गए। उन्होंने कहा लड़कों से कि तुम्हारी आवाज़ को मैं उठाने जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तो तुम्हारी आवाज़ वहाँ कौन सुनाएगा, और तुम मुझको डब्बे तक पहुँचाओ, इतनी भीड़ है मैं अकेले नहीं जा पाऊँगा। जो लड़के उनको रोकने के लिए गए थे वही लड़के उनको डब्बे तक पहुँचाने गए। उनके स्वभाव में, उनके बात में ऐसा आकर्षण था कि कोई उनको मना नहीं कर सकता था। और पंडित जी वहाँ गए, उन्होंने ओजस्वी भाषण किया हिंदी के पक्ष में, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भाषी क्षेत्र में सरकारी कामकाज, सारे कामकाज जो वो हिंदी में होंगे, जब दक्षिण भाषी क्षेत्र से पत्र व्यवहार करना होगा तो वो अंग्रेजी में जाया करेगा। तो ये हिंदी के प्रति कितना उनका प्रेम था, कितना समर्पण था, ये पंडित जी से ज़्यादा किसी के पास था नहीं। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जब संविधान सभा में इंडिया का नाम रखा जा रहा था तो एक संशोधन प्रस्ताव पारित होना था, पंडित जी ने उस प्रस्ताव को पारित किया था, और भारत नाम पंडित जी के उस संशोधन प्रस्ताव के बाद ही रखा गया। मैं उसके कुछ वाक्य आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कितनी बढ़िया भाषा में उन्होंने उसको कहा, जो आज लोग कहते हैं कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का मजाक उड़ाते हैं, उसको जब आप सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्या विचारधारा थी। जो बीच में कहा मैं बीच में लेता हूं, जब कोई देश पराधीन होता है तो अपना सब कुछ खो देता है। 1,000 वर्षों की अपनी पराधीनता में हमारे इस देश ने भी अपना सब कुछ खो दिया। हमने अपनी संस्कृति खो दी, अपना इतिहास खो दिया, हमने अपना सम्मान खो दिया, हमने अपनी मनुष्यता खो दी, हमने अपना गौरव खो दिया। ये सब करते करते उन्होंने कहा कि सभापति जी, मुझे भारत के इस शब्द से बड़ा प्रेम है, ये एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने मात्र से हमें अपने देश के सहस्त्राब्दियों की संस्कृति क्षण मात्र में दिखाई देने लगती है। मैं समझता हूँ कि इस धरती पर कोई दूसरा ऐसा राष्ट्र नहीं जिसके जीवन का इतिहास, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव और जिसका नाम सहस्त्रों वर्षों से इसी प्रकार जब तक चला आता है जैसे हमारे देश का चला आता है। धरती के अंक में कोई ऐसा देश नहीं जिसने इतने पद, दलन, इतने अपमान और इतनी लंबी पराधीनता के बाद भी अपने नाम, अपनी आत्मा को किस प्रकार रखने में सुरक्षित समर्थित हुआ हो। और साहब लास्ट में देखिए जो उन्होंने कहा वो तो कमाल कर दिया है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के वह शब्द याद आ जाते हैं जिसके द्वारा उन्होंने इस देश के जन समाज को उस व्यवहारिक दर्शन का उपदेश किया था जिसके द्वारा आज के संसार का मानव भी सतगत को प्राप्त कर सकते हैं। इस शब्द का उच्चारण करने से हमें भगवान तथागत की याद आती है
जिन्होंने ललकार कर संसार से कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जीवन का संचालन करो और देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए उठो जागो और संसार को ज्ञान के मार्ग का प्रदर्शन कराओ। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें शंकराचार्य का स्मरण हो आता है, जिन्होंने संसार को एक नई दृष्टि प्रदान की। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान राम की उन विशाल भुजाओं का स्मरण हो जाता है जिसमें धनुष के प्रत्यंचा के चंकार से इस देश के असमुद्र हिमाचल अंतरिक्ष को गुंजारित कर दिया। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि भारत शब्द को रखने से, इसको ग्रहण करने से हम इस देश को एक स्वरूप प्रदान कर सकेंगे, इस देश को उसकी खोई हुई आत्मा को दे सकेंगे, इस देश की रक्षा कर सकेंगे। भारत एक महान राष्ट्र हो जाएगा जो संसार के रंगमंच पर मानव जात की सेवा कर सकेगा। और उसके बाद एक सज्जन ने और, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूं उनका, एक सज्जन ने और प्रस्ताव में संशोधन पेश किया और ये भारत नाम पास हो गया। तो ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि भारत शब्द को रखने में पंडित जी का बड़ा योगदान रहा है, जो पंडित जी ने संविधान सभा में जिस तरह से इस भाषण को बोला था 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तो पंडित जी उस समय ही सूचना और सिंचाई मंत्री हो गए। गोविंद वल्लभ पंत जी को बड़ा उन पर विश्वास था और बड़ी स्थिति पूर्वांचल की खराब थी। आप ये समझ लीजिए कि पूर्वांचल की वो स्थिति थी कि लोग अनाज क्या, अकाल के अलावा कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता था। कभी ईश्वर की कृपा हो गई किसी सीजन में तो कुछ पैदा हो गया, नहीं तो कुछ नहीं पैदा होता था। सिंचाई का कोई साधन नहीं था। और विश्वनाथ सिंह गहमरी एक गाजीपुर के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक बार लोकसभा में बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने बताया था पूर्वांचल की दशा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रो पड़े थे सदन के अंदर ही, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, मैं वादा करता हूं। और कमलापति जी के साथ उन्होंने पूरे पूर्वांचल का दौरा किया और पंडित जी ने जो नहरों का जाल बिछाया, जिस तरह से वाराणसी क्षेत्र पूर्वांचल का विकास किया, आप समझिए कि उसके बाद चंदौली जो उनकी विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी, जहां घास जगह जमा करती थी, उसको उन्होंने धान का कटोरा बना दिया। गजब की उनकी सूझबूझ थी किस तरह से वो काम करते थे। आज वाराणसी में, अभी मैं जैन मिश्रा जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने बताया, रेल विभाग के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, रेहन डैम बनवाया, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री डाली, डाला सीमेंट फैक्ट्री, चुनार सीमेंट फैक्ट्री, हिंडालको की फैक्ट्री बिरला एल्युमिनियम वाली जो थी, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो खुलवाए, रेलवे स्टेशन बनवाया, जितने भी सरकारी अस्पताल आप देखेंगे प्रदेश में, मैं समझता हूँ बहुत ही कम होंगे जिसमें पंडित जी का सहयोग न हुआ हो। और बाकी में उनके पुत्र लोकपत त्रिपाठी जी ने पूरी कर दी। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जब PGI बन रहा था उस समय उसका पैसा नहीं सैंक्शन हुआ था, लोकपति जी ने अपने प्रयासों से PGI को शुरू कराया था, डॉक्टर सेठी थे उसमें डायरेक्टर, और उनको लगा के उन्होंने अपने प्रयासों से कराया था, बाद में पैसा आया था। तो ये लोग विकास करते थे, ये लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते थे, ये लोग जानते थे कि हम किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। भेल की यूनिट हो, NTPC की यूनिट हो, ओबरा का पावर प्लांट हो, ये सारी चीज़ें जो है पंडित जी के प्रयास से बनी। मुझे वो आज भी दिन याद आता है, 1971 का समय था, लखनऊ के अंदर इंदिरा जी आई थी और पंडित जी मुख्यमंत्री थे। इंदिरा जी भाषण दे रही थी, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, मुजीबुर रहमान को रिलीव होना था, अभी छूटे नहीं थे, और बहुत भीड़ थी बेगम हजरत महल पार्क में, मैं भी उसमें गया था देखने के लिए। जब इंदिरा जी बोल रही थी तो पंडित जी जो मंच था उसकी सीढ़ियों पे आके बैठ गए, एकदम शांत, कोई बेचैनी नहीं, कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री हैं, बोल रही हैं, क्या है। शायद उनको मालूम था कि बहुत कम बोलेंगी, अभी इनको जाना है राजभवन,
क्योंकि कोई एक मैसेज आया था उनके पास कि मुजीब रहमान जी छूट गए हैं और उनसे इंदिरा जी को बात करनी है। थोड़ी ही देर बोली और तुरंत वहां से गई राजभवन, राजभवन से उन्होंने बातचीत की और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पंडित जी इतने सरल थे कि उनको जो विरोधी थे उनके, वो भी उनके जो पर्सनल चीजें होती थी उसमें बिल्कुल उनका साथ देते थे। एक घटना बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में शुरू से दो गुट थे, एक गुट के नेता चंद्रभान गुप्ता जी थे, दूसरे गुट के नेता डॉक्टर संपूर्णानंद थे, पंडित जी उनके साथ में थे। और जब संपूर्णानंद जी चले गए तो उस ग्रुप के लीडर पंडित जी हो गए। दोनों में घोर विरोध था, एक दूसरे को काटने में कोई कमी नहीं करते थे, लेकिन जब विधानसभा में कभी पंडित जी पर पर्सनल आक्रमण होता था तो गुप्ता जी पंडित जी को किनारे कर देते थे, वो सारा हमला अपने पर झेलते थे, उसका जवाब देते थे। ऐसे संबंध कांग्रेस के लोगों में हुआ करते थे और ये व्यवहार था, पंडित जी का व्यवहार था, गुप्ता जी का व्यवहार था। क्या सम्मान था उनका कि लोग उनको बाबू कहते थे, जो उनके समकक्ष थे वो उनको पंडित जी कहते थे, जो उनसे बड़े थे वो उन्हें कमला कहते थे। बहुत से लोग हैं आज की, आजकल के बच्चे नौ जो नई पीढ़ी है वो शायद नहीं जानती कि जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी कहा जाता था, लेकिन अगर उनके बाद किसी को पंडित जी कहा गया, देश और प्रदेश की जनता ने पंडित जी के खिताब से किसी को नवाजा तो वो थे पंडित कमलापति त्रिपाठी। आज भी जब कोई बात करता है तो बाबू या पंडित जी ही कह के बात करता है, कोई कमलापति त्रिपाठी नहीं करता। अपने बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा दी, जो अपने बच्चों को उन्होंने समझाया कि सिर्फ योग्यता और बड़ों का सम्मान करना सीखो, जाति बिरादरी का सम्मान कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक उदाहरण देता हूं आपको, 1977-78 की बात है, केंद्र में बाबू जगजीवन राम सिंचाई मंत्री थे और राज्य में लोकपति त्रिपाठी जी थे। मैं प्रोटोकॉल अधिकारी था, लखनऊ में उनका आने का कार्यक्रम बना, मैं उनको रिसीव करने के लिए गया। लोकपति जी भी आए थे और उनका पूरा विभाग, पूरा अमला, उनके सेक्रेटरी, उनके चीफ इंजीनियर, सारे लोग साथ में मौजूद थे। उस जमाने में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं होती थी, सेक्रेटरी ही डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। बाबू जगजीवन राम उतरे, सबसे पहले लोकपति जी बढ़े और उन्होंने बाबू जी के दोनों पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा लल्लू कैसे हो, ठीक से हो, तुम यहाँ क्यों आए, वहीं मिल लिए होते, वहीं बातचीत हो जाती, यहाँ तक क्या नहीं जरूरत थी। कहे नहीं बाबू जी, आप आए और हम यहाँ नहीं आए तो ये अच्छा नहीं है। इतना बढ़िया दृश्य था, आपसे बताएं, न एक को ब्राह्मण होने का अभिमान, न दूसरे को दलित होने का गम। वहां दिख रहा था पिता पुत्र का प्रेम, कोई न जाति थी, न कोई धर्म था, न कोई भेदभाव था। ये शिक्षा पंडित जी ने अपने बच्चों को दी थी। उन्हें यह गुमान नहीं था कि हम मुख्यमंत्री के लड़के हैं, हमारे पिताजी केंद्र में मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में अपने सीनियर का सम्मान कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती हैं। सनातनी ब्राह्मण थे, सनातनी ब्राह्मण थे, ढाई ढाई घंटे पूजा करते थे, लेकिन सर्वधर्म संभाव को मानते थे, धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते थे। जब ये राम मंदिर वाला मुद्दा उठा तो एक बार लोगों ने जब कहा कि हम इस ढांचे को गिरा देंगे, तो बाबू ने कहा कि अगर ये ढांचा गिरेगा तो पहला फावड़ा मेरी गर्दन पर पड़ेगा। और उनका इतना सम्मान था कि अशोक सिंघल चुप हो गए और अशोक सिंघल
से बातचीत हुई। एक वीर बहादुर सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो एक प्रस्ताव किया था, इन लोगों को मनाया भी था कि भाई आप लोग मंदिर बनवाना शुरू कीजिए, जो विवादित पोर्शन है जब उस पर फैसला आ जाएगा तो अगर आपके पक्ष में आएगा तो इसको इसमें जोड़ देंगे, और नहीं तो देखा जाएगा, अभी इसको बनने दीजिए तो कम से कम भगवान राम का मंदिर तो बने। तो श्री चंद दीक्षित भी मान गए थे, महंत अवैधनाथ भी मान गए थे, अशोक सिंघल भी मान गए थे, लेकिन चूंकि वीर बहादुर जी हट गए तो फिर वो बात बनी रह गई। पंडित जी से आके अशोक सिंघल ने बात किया और तब ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो चालू हुआ। उस शिलान्यास में सारे लोग थे, तो बाद में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि फिर वो रुक गया। जैसे जो घटनाएं के साथ हुई, भैया ने पैसा दिया, फ्लैट दिया, सब कुछ वो सारा बता दे, तो ठीक है, अगर आराम से मिल जाता कर लेता तो उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ता। अगर कल मामला फंसा तो बेटा पॉलिथीन मत ले जाओ, उधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, और जब मामला फंसा तभी ना जरूरत पड़ेगी कि नहीं, चाहे चापना हो रहा विजय को, चाहे को चाहे उनको चापे करना पड़े तभी ना जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें हमारी ठीक नहीं तो करता ना, यही चीज है भाई। आपको कोई समस्या अगर है, इस समय समस्याओं से हर आदमी परेशान, उन समस्याओं के आप परेशानी का समाधान तुरंत नहीं खोल सकते, पर आप खड़े रहोगे ना, हो सकता है आपको देखने से, आपके उसके बात करने से आपकी से ये है, हो सकता है उसके कुछ मरहम लग जाए, हो सकता है उसके घाव पे थोड़ा सा उसको थाना दे, कोई आदमी है जो मेरी बात उठा रहे, मेरी भी बात नहीं बोल के हम उसका समस्या का समाधान कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं, हम विधायक सांसद है, मंत्री है, तुरंत आदेश कर दी, हम उसकी बात तो कहीं नहीं, छोटी सी मरहम जो है अब जेएनयू से आए बड़े लंदन है बड़े, ये सब क्यों बोल रहे हो भाई, कोई आपसे सवाल किसे लाए, और कांग्रेस का नाम दिया, एक बार उर्दू शिक्षकों की बात हो रही थी भर्ती की, चौधरी चरण सिंह ने विधानसभा में ऑब्जेक्शन किया कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती की क्या आवश्यकता, जब उर्दू शिक्षकों की भर्ती की क्या आवश्यकता है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो पंडित जी ने उसका जवाब दिया, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा चौधरी साहब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलशिता हमारा, ये वो जुबान है जिसने भारत की आज़ादी में लोगों में जज्बा भरा था, और आज जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो हम इस जुबान को ख़त्म करते ये संभव नहीं। तो जहाँ पे आवश्यकता होती थी निजर फैसला लेते थे, और विद्यालयों के बारे में तो बहुत ही वो चिंतित रहते थे। पंडित जी के ज़माने में ही ये तय हुआ शिक्षकों को चेक से तनख्वाह दिया जाए, क्योंकि शिकायतें आने लगी थी वेतन नहीं मिलता था, सारे वित्त पोषक कॉलेजेस हुआ करते थे, तो उन्होंने शिक्षकों को चेक से वेतन देने की व्यवस्था बनवाई। सारी देश भर की संस्कृत पाठशालाओं को डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ में अटैच किया ताकि उन शिक्षकों का भी मान मर्दन बढ़ सके और उनकी जीविका का साधन चल सके। पंजी जी एक विकास पुरुष की हैसियत से थे, उन्होंने बहुत से काम किए, और अगर कोई चाहे कि हम उनको थोड़े में लपेट लें तो बहुत से पहलुओं को तो मैंने छुआ नहीं, वो तो लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, और कवि भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हमारे बाद भी किसी को बोलना है और राय साहब सामने आ गए हैं तो मुझे अपनी वाणी को विराम कर देना चाहिए। मैं आपको फिर पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपको धन्यवाद और नमस्कार।
धन्यवाद ओंकार सिंह जी, बहुत दिल से अपनी बातें आपने रखी, केवल संस्मरणों के आधार पर नहीं बल्कि एक शोधार्थी की तरह बहुत सारी बातें और बहुत सारी बिल्कुल मौलिक जानकारियां और उनके आधार पर पंडित जी के व्यक्तित्व का एक विश्लेषण आपने अपनी दृष्टि से सबके सामने रखा। हम सब आपके आभारी हैं। और अब ऋषि जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो श्री विजय शंकर पांडे जी को कनेक्ट करें और वो कुछ प्रस्ताव रखेंगे श्री विजय शंकर पांडे जी।